हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वजाहत नदीर है और आज जो हम टॉपिक रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे। कोशिश कीजिएगा इस टॉपिक को हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे होते हैं, एंड तक आपको 100% ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी, प्रोवाइडेड कि आप इस लेक्चर को कंप्लीटली देखें, फॉलो करें। फिर भी कोई सवाल हुआ हम उसका आंसर जरूर देंगे। बहुत शुक्रिया, लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? कि जी, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ग्रीक, दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है, जो कि एक वर्ड है ट्राइगोनॉन और दूसरा है मेट्रन। ट्राइगोनॉन के मीनिंग है ट्रायंगल और मेट्रन के मीनिंग है मेजर। आप ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? So we can write it trigonometry is the study of triangles. Trigonometry is all about triangles. Clear? अब एक डेफिनेशन लिख ली जाए तो जरा सी बात और क्लियर हो जाएगी। The study of the relationship between the sides and the angles of triangle. ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम यहां देख लेते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। कोई भी शेप जिसके तीन एंगल होंगे, एक इसका एंगल ये है, एक ये है, एक ये है, यानी यहां पर इसके तीन जो हैं वो एंगल्स हैं। ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, जिसको हम थीटा अगर हम लगा दें तो थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसकी तीन साइड्स हैं, एक ये साइड है, दूसरी ये साइड है, तो इसकी तीन साइड्स होंगी और तीन इसमें एंगल्स होंगे। तो कोई भी शेप जिसमें तीन एंगल हो, जिसकी तीन साइड्स हो, वो ट्रायंगल कहलाएगा। क्लियर? अब अगर हम ये बात कर लें ट्रायंगल के बारे में, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन आर ट्रायंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स होंगे उनका सम, यानी एंगल ए प्लस बी प्लस सी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एक बात हो गई। अब मेन बात हम एक यहां पर बताते चलें कि जितनी भी बातें हम इस टॉपिक में कर रहे होंगे वो मेनली जो हमारा फोकस होगा, जो हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी है, दैट इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री तमाम ट्राइंगल्स को कवर कर रही होती है, बट यहां पर जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और जो चीजें हम बताएंगे दे विल ओनली बी रिलेटेड टू, वो सिर्फ और सिर्फ किसके मुताबिक होंगी?
राइट एंगल ट्राइंगल के मुताबिक। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है ये हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एंगल ड्रॉ किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। अब अगर हम यहां पर ये साइन बना देते हैं, ये साइन जो हमने बनाया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अब यहां मजीद हम बता दें कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। अब ये बाकी जो रिमेनिंग दो साइड्स रह गई हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है आगे जाने से पहले कि वो बाकी दो साइड्स को हम क्या कहेंगे और क्या कहना सबसे सही होगा, इसको अब हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने एक ट्राइंगल बनाया और ये हमने कह दिया कि भाई ये तो है 90 डिग्री का और इस एंगल से हम देखना चाह रहे हैं, यानी जिस एंगल थीटा है यहां से हम देखना चाह रहे हैं बाकी साइड्स को, यानी कोई भी ट्राइंगल जो देखा जा रहा होगा वो विद रिस्पेक्ट टू एनी एंगल देखा जा रहा होगा। तो हम यहां पर इस एंगल से अगर देखेंगे तो जो इसके सामने की साइड होगी ये अपोजिट साइड कहलाएगी, यहां पर जो साइड होगी ये एडजेसेंट कहलाएगी, और अगेन जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये एडजेसेंट एंगल हो गया, ये अपोजिट हो गया। अब इसी फिगर को अगर हम दोबारा ड्रॉ करते हैं और अब की बार हम एंगल यहां रख देते हैं कि हम कहते हैं कि जी हमें इस एंगल से देखना है, तो इस एंगल का अपोजिट ये हो जाएगा, ये इसका एडजेसेंट हो जाएगा और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो अगेन हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। तो मेन बात कि जो आपका एडजेसेंट या अपोजिट है वो इस एंगल से, जो रेफरेंसिंग एंगल है उससे चेंज हो जाता है। क्लियर हुई है बात? आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड ही रहेगा, बट अपोजिट आप उसको कहेंगे जो एंगल, जिस रेफरेंस एंगल की बात हो रही है उसके जो अपोजिट होगा उसको अपोजिट कह देंगे और जो उसके साथ वाला होगा उसको एडजेसेंट कह देंगे। क्लियर? अब एक सवाल पूछ लेते हैं इस पेज पर। यहां पर आप मुझे बताएंगे कि अगर हम इस एंगल से देख रहे हैं तो ये लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी? सोचिए, ये लॉन्गेस्ट साइड अगेन हाइपोटेन्यूज, HYP हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसके सामने वाला, ये जो इसके सामने है ये वाली साइड, ये अपोजिट कहलाएगी और ये इसकी एडजेसेंट साइड बन जाएगी। अब यहां पर हम जो पहली चीज बताने जा रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल के मुतालिक, जो हम पहली चीज बताने जा रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल के मुतालिक, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? ये बात बताता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें दो साइड्स मालूम हैं तो हम उसके फॉर्मूले को यूज कर तीसरी साइड निकाल सकते हैं, जो कहती है हाइपोटेन्यूस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडजेसेंट का स्क्वायर कर लें प्लस आप अपोजिट साइड का स्क्वायर कर लें, तो आपके पास ये फॉर्मूला कन्वर्ज हो जाएगा कि आप इसका स्क्वायर रूट of adjacent और opposite का square ले लेंगे तो आपके पास hypotenuse निकल आएगा। अब कोई भी साइड जो आपको मालूम करनी हो वो h square is equals to adjacent का square plus opposite का square लेकर मालूम की जा सकती है, इसको हम पाइथागोरस theorem कहते हैं और हम थोड़ी देर में एक सवाल कर बता देंगे कि किस तरह से सॉल्व हो रहा होगा। आगे चलते कुछ
फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर हम नोट कर लें तो हमारे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी कि फैक्ट्स अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, की फैक्ट्स क्या हैं ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक. नंबर वन, ट्रिग्नोमेट्री लिंक्स द साइज ऑफ द एंगल्स टू द लेंथ ऑफ द साइड. ये पहला फैक्ट है. दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री मेनली जो वर्क कर रही होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में वर्क कर रही होती है, बट इट डज नॉट मीन कि वो दूसरे ट्राइंगल को फिगर आउट नहीं कर सकती. बट मेनली हम फिर रिपीट करें कि हमारा जो फोकस है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है. ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो वो हमारा मेन कंसर्न है. आगे चलते हैं. द थ्री ट्रिग्नोमेट्री functions can be applied to the right angle triangle. जिनके नाम sine, cosine and tangent है. अब जब हमने ये बात कर ही ली है कि थ्री ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, तो पहले तो हम ये बता दें कि टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कितने होते हैं. टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, और अगर हम उनको बता दें कि वो छह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन से होते हैं, तो एक बार उनको लिख लें ताकि वो चीज जरा सी आसान हो जाए. हमारे पास जो छह व्हाट आर द सिक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं और उन्हें किस तरह से कैलकुलेट किया जा रहा होता है, ये जरा सा हम एक आपको चार्ट बना के दिखा देते हैं. ये हमने ये बनाया और फिर हमने इसको फर्दर डिवाइड कर लिया तीन में. इसको हम रेशो कह सकते हैं, इसको हम यहां पे नोटेशन या एब्रीविएशन भी कहा जाता है. यहां पे उस फंक्शन का नाम आ जाएगा. तो अगर हम कहें 1, 2, 3, 4, 5 एंड द लास्ट वन विल ऑटोमेटिकली बी 6. तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो द फर्स्ट इज साइन, पहले वाले का नाम साइन है और इसको हम साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरे का नाम कोसाइन है जिसको हम कॉस थीटा के तौर पे लिख सकते हैं. फिर हमारे पास टेंजेंट है जिसको हम टेन थीटा के तौर पे लिखेंगे. फिर हमारे पास कॉसिकेंट है, कॉसिकेंट भी कहा जाता है, और इसी को हम 1/sin भी कह सकते हैं, और इसको हम कॉसेक कहते हैं, कॉसेक थीटा या CST थीटा के तौर पर लिखा जाता है. देन वी हैव सीकेंट, SECANT सीकेंट, और ये 1/cosine है जिसको हम sec थीटा भी कहते हैं, और जो लास्ट वाला है वो कोटेंजेंट है जो 1/tan के तौर पर लिखा जाएगा या cot थीटा. अब रेशो यानी किस तरह से इनकी कैलकुलेशन हो रही होती है,
वो हम बता दें, इसको हम कहते हैं अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, एच वाई पी फॉर द हाइपोटेन्यूज। आई एम नॉट राइटिंग फुल, हम उसको पूरा नहीं लिख रहे। फिर कोसाइन को लिए आप लिखेंगे ए डी जे एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट के लिए अपोजिट ओवर एडजेसेंट। फिर कोसेक के लिए हाइपोटेनियस ओवर अपोजिट। फिर सीकेंट के लिए वन ओवर कोसाइन है, सिंपली आप उसको पलट देंगे तो हाइपोटेनियस ओवर एडजेसेंट। और लास्ट वन एडजेसेंट डिवाइडेड बाय अपोजिट। अब ये वो उन साइड्स की बात हो रही है कि जब कोई एंगल हमें मालूम करना होगा तो अपोजिट ओवर हाइपोटेनियस, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस, अपोजिट ओवर एडजेसेंट, इस तरह से हम उनको निकाल रहे होंगे, इस तरह हम उनको कैलकुलेट कर रहे होंगे। और वो बड़े इजीली आप देखेंगे कि अभी हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। 16 मिनट्स हो चुके हैं, हमारी कोशिश होगी 30 मिनट्स में आपको एक कंप्लीट सवाल आपको मिल जाए। तो ये अपोजिट ओवर हाइपोटेनियस, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस, ये उसी ट्राइंगल की बात हो रही है कि वहां पर जब कोई आपने मेजर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास, ये डिपेंड करता है कि आप एक एंगल यहां से आप देख रहे हैं, इस एंगल को मेजर कर रहे हैं। अब आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं? एक आपके पास ऑपोजिट साइन गिवन है और ऑपोजिट मौजूद है और आपके पास हाइपोटेन्यूज है। तो यहां पर आप ये सोचेंगे कि अगर इस एंगल को मेजर करना है तो अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास साइन थीटा यूज होगा, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, हाइपोटेन्यूज यहां पे आपके पास लेट सपोज 7 है और जो अपोजिट आपके पास मौजूद है दैट इज 2, तो ये एंगल जो हमने निकालना है वो कैसे निकाला जाएगा? तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अपोजिट 2 है, हाइपोटेनियस सेवन है, तो आप ये देखेंगे कि 2 डिवाइडेड बाय 7 इज 0.2857। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0.2857, ये वैल्यू आती है। अब इसका एंगल निकालने के लिए आप साइन का इनवर्स लेंगे, तो शिफ्ट दबा के साइन का इनवर्स हमने दबाया है और 0.2857 वैल्यू लिखी हुई है। हम जैसे इज इक्वल टू करें 16.60, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन थीटा का एंगल है वो 16.60 डिग्री है। ये इनवर्स साइन हम लिख देते हैं कि साइन थीटा का जब हमने इनवर्स लिया तो 16.60, यानी ये जो एंगल है वो 16.60 डिग्री है, अप्रोक्सीमेट का साइन लगा दिया गया। क्लियर? इस तरह से इन एंगल्स को कैलकुलेट करने में आपको मदद मिल रही होगी। अभी अगर ये बात समझ में नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे साथ आगे चलें, बात समझ में 100% आएगी। इसकी एक हम इन डेप्थ एग्जाम्पल कर लेते हैं, वो आपको बड़ी आसानी से दे देगी। कुछ एग्जैक्ट वैल्यू होती हैं, वो अगर हम वैल्यूज लिख लें तो जो एग्जैक्ट उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं ऑफ ट्रिग्नो मेट्रिक फंक्शंस। ये बात अगर हम मान लें, समझ में आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आई है तो अब 100% समझ में आ जाएगी कि किस तरह से हम डिग्रीज निकाल रहे होते हैं। अगर हमारे पास साइड गिवन होगी, हम डिग्री कैसे निकालेंगे? तो कुछ एग्जैक्ट वैल्यूज जो ऑलरेडी नोन है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक ये हमने बनाया है, आप इसको 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 हमने इसको कॉलम में डिवाइड कर लिया, ठीक है? तो एग्जैक्ट
वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम बनाने जा रहे हैं। यहां पे आप लिखें एंगल, यहां पर साइन थीटा, यहां पर कॉस थीटा और ये टेन थीटा। अब एक दो तीन चार पांच, तो एक दो तीन चार और ये पांच, हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहां पर हम ये अगर कहें कि ये जीरो डिग्री, फिर हमारे पास 30 डिग्री, ये एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं जो आप याद कर लें और ये कंसल्ट करेंगे अपने टीचर से कि वेदर दी कैलकुलेटर इज अलाउड और नॉट। अगर तो अलाउ है कैलकुलेटर तब तो ठीक है, बट यहाँ पे हम बताएंगे ये वैल्यूज आई कैसे और फिर एंगल भी निकाल के बता देंगे कि एंगल कैसे आ रहा है। ये एग्जैक्ट वैल्यूज पहले मैं लिख रहा हूं, फिर इनको कैलकुलेटर से हम सॉल्व करके दिखा देंगे। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन थीटा जीरो है, फिर ये 1/2 है, फिर 1/√2 है, फिर √3/2 है, फिर ये 1, ये 0, यहाँ पे आप नॉट डिफाइंड लिख लें। कॉस थीटा में 1√3/2 है, फिर 1/√2 है, फिर 1/2 है, ये √3 है, ये 1 है, ये 1/√3 है और ये 0 है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, निकाली कैसे जा रही होती है ये देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं कि साइन थीटा 1/2 की वैल्यू 30 डिग्री होती है तो कैसे निकालेंगे। आप शिफ्ट दबाएं, साइन इनवर्स का रखेंगे, यानी अगर हमने किसी वैल्यू से डिग्री निकालनी है तो इनवर्स फंक्शन यूज करते हैं। क्लियर, अगर हमें किसी वैल्यू से डिग्री निकालनी है तो इनवर्स फंक्शन यूज करते हैं, अदरवाइज ये 1/2 क्या है, ये 1/2 जो है ये वैल्यू अगर आप देखें तो साइन थीटा 30 डिग्री पे 1/2 आ रहा है, विच मीन 0.5। तो अगर हम साइन 1/2 लिखें, सॉरी साइन 1/2 लिखें, तो अगर आपके पास अभी जो वैल्यू आ रही थी 1/2 की साइन थीटा 30 डिग्री हमें मालूम करना है, तो शिफ्ट शिफ्ट का बटन दबाएंगे, सॉरी शिफ्ट का बटन दबाया आपने और साइन इनवर्स 1/2 रखा तो ये 30 आ गया। ये आप देख रहे हैं कि ये 1/2 साइन थीटा की 1/2 की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। क्लियर, ये बात समझ में आई, वेरी गुड। आगे अगर हम ये cos sec की 1/√2 ये चेक करना है कि cos थीटा 1/2 की वैल्यू 45 डिग्री होती है तो क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू सही रखी गई है, तो यहाँ पे हम अगेन शिफ्ट cos इनवर्स 1/√2 है तो 1/√2 45, तो 1/√2 की वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये 45 डिग्री आई है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब हम क्विकली कोशिश करते हैं कि आगे चल के एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं ताकि क्विकली हमें ये तमाम चीजें एग्जैक्टली जिस तरह से हमने बताई चेक कर लेते हैं कि वेदर ये इसी तरह से हो सकता है या नहीं। एक क्वेश्चन आप ले लें, लेट से आप एक क्वेश्चन की एग्जांपल लेते हैं और आप कहते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें हम यहां पर ये 23 डिग्री का एंगल है, ये डेफिनेटली 90 है और जो अपोजिट साइड है दिस इज इक्वलेंट टू 25 सेंटीमीटर, 25 इंचेस, 25 फीट, कुछ भी है ये, ठीक। तो ऑटोमेटिकली हम ये कहेंगे जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूस है। अगर एंगल ये गिवन है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये एंगल हमने बताया कि इसको आप अपोजिट साइड कह देंगे और जो इसके साथ है वो एडजेसेंट कहलाएगी। अब एक एंगल और एक साइड गिवन है और हम बाकी तमाम चीजें कि जी हाइपोटेन्यूस क्या है, इसकी एडजेसेंट साइड क्या है, ये हम निकाल कर दिखाएंगे। एंगल अगर आप ये वाला बात करते हैं कोई बड़ी बात नहीं है,
अगर ये 90 है, ये 23 है, तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री. वो निकालना कोई कमाल की बात नहीं है. तो हम हाइपोटेन्यूस और एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड निकाल कर दिखाते हैं इसकी, कि हम इसमें किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं. तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास जो मौजूद है एक ऑपोजिट साइड मौजूद है, हमने पहले इसके अंदर एडजेसेंट निकाल लेते हैं. ठीक है, पहले हम एडजेसेंट निकाल लेते हैं. तो अगर हम कहते हैं tan theta is equals to opposite over adjacent, ये हमने पीछे जो चीजें लिखी थी ये अब काम आ रही है. ये tan theta opposite over adjacent, हमें एक एंगल गिवन है और हम यहाँ पे एडजेसेंट साइड निकालने चाहते हैं, तो ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट लिखकर हम निकाल सकते हैं. अपोजिट साइड कितनी मौजूद है, अपोजिट साइड थी आपकी 25, एडजेसेंट आपने निकालना है, तो आप यहां लिखेंगे tan 23 डिग्री इज इक्वल टू 25 ओवर ए डी जे एडजेसेंट का. तो इसका मतलब है कि एडजेसेंट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहां पर आ गया, 25 डिवाइडेड बाय tan 23 डिग्री. तो एडजेसेंट साइड हम देख लेते हैं कैसे निकलेगी. तो ये 25 डिवाइडेड बाय tan 23 डिग्री है, तो हम 25 डिवाइडेड बाय tan 23 डिग्री इज इक्वल्स टू 58.8963. तो एडजेसेंट जो आपका निकला है वो 58.8963 आपका एडजेसेंट निकल आया है. क्लियर है ये बात, तो आप यहां लिखते हैं 58.8963 आपकी जो वैल्यू है एडजेसेंट की वो निकल आई है. अब हाइपोटेन्यूस निकालने के दो तरीके हैं, हाइपोटेन्यूस निकालने के दो तरीके हैं कि या तो हम पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आपके पास अपोजिट भी है और एडजेसेंट भी है. तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए अगर हम इन दोनों को प्लस करके पाइथागोरस थ्योरम में डालते हैं तो हमें निकल आएगा. तो हम दोबारा आगे एक बार फिर लिख लेते हैं कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस अपोजिट का स्क्वायर. तो आपका जो एडजेसेंट है वो था 58.8963 का स्क्वायर करें, प्लस जो आपकी अपोजिट 25 है इसका स्क्वायर करें, और ये h स्क्वायर था तो वहां जाके ये रूट हो जाएगा. तो हम चेक कर लेते हैं कि h की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो हम लिखते हैं 58.8963 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर. ये लिख दिया हमने, ये 58.8963 प्लस 25 का स्क्वायर, ये एक वैल्यू आई. इसका हम अगर रूट ले लें तो ये हो गई 63.98. तो आपका हाइपोटेन्यूस हो गया 63.98. ये एक तरीका था हाइपोटेन्यूस की वैल्यू रखने का. तो हम यहां पे रख देते हैं हाइपोटेन्यूस 63.98. ये 63.98 की वैल्यू यहां पर आ गई. अब एक और तरीका है हाइपोटेन्यूस निकालने का. अब दोबारा हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक ऑपोजिट साइड थी और हमें हाइपोटेन्यूस निकालना था, तो ये एंगल है ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस का हम चेक करते हैं कि कोई है, तो हम उसको यूज कर लेंगे. अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस के लिए हम साइन यूज कर सकते हैं. तो अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस के लिए हम साइन यूज कर सकते हैं. अपोजिट साइड हमारे पास मौजूद है, तो अगर हम साइन यूज करें, तो हम अगर साइन यूज करते हैं और चेक करते हैं, तो अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस के लिए तो साइन 23 इज इक्वल्स टू अपोजिट हमारी कितनी है 25
हाइपोटन्यूस हमें मालूम नहीं है, तो ये हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हाइपोटन्यूस इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय साइन 23। तो 25 डिवाइडेड बाय साइन 23, साइन 23 अगर हम देखें तो ये आप देखें तो अगेन वही वैल्यू आ गई कि 25 डिवाइडेड बाय साइन का 23 लिया तो 63.98। तो दो तरह से हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूस निकाल कर दिखाया कि जब आपके पास दो साइड्स हमने निकाल ली तो उनको सिंपल हमने पाइथागोरस थ्योरम में डाल के 63.98 निकाला। दूसरी सूरत में हमने साइन का इस्तेमाल किया कि ये एंगल मौजूद था अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस में साइन का इस्तेमाल हो सकता है, ये हमने करके 63.98 को हमने मेजर कर लिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप जरूर अपने कमेंट्स पोस्ट करें, हम इसका बेहतर वर्जन आपके लिए जरूर अपलोड करेंगे। हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है +92300256-2296। ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं, स्काइप आईडी पाकिस्तानी ट्यूटर्स या माय ऑनलाइन ट्यूटरिंग पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।